अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब आज का व्लॉग अल्लाह ताला के करम से शुरू करते हैं। तो यार कुछ इस तरह के रास्ते से हम गुजर के जा रहे हैं। हम लेने जा रहे हैं अचार बनाने के लिए आम। अपने दरख्त के आमों का अचार बनाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वहाँ पे यार रास्ता नहीं जाता, सड़क नहीं बनी हुई, इस वजह से हमें पैदल जाना पड़ रहा है, वरना हम कभी भी बाइक के बगैर कभी भी ना जाते। तो यार ये हमारे चाचू के खेतों की तरफ है, आम का दरख्त लगा हुआ है। पहले रास्ता होता था यहाँ से बिल्कुल बंद हो गया है। तो एक रास्ता इधर से, इधर तो फिर बाहर ही चले जाएंगे, और इस साइड से जाते हैं तो रास्ता चलने का बिल्कुल भी सही तरह से नहीं बना हुआ। तेरी खैर। अब सामने से हमारे, अब थोड़ा सा हमने रास्ता चेंज किया है तो इस तरह का व्यू आ रहा है हमारे रास्ते में। हमारा जो इलाका है ना पंजाब में मुल्तान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फसलें उगाई जाती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे मकई आती है, दूसरे नंबर पे आलू आते हैं, और तीसरे नंबर पे कड़ी चीज़ होती ज़्यादा इतने, यहाँ पे चावल भी होता है। तो इसके अलावा और बाकी जो फसलें हैं ना वो आम रेगुलर रूटीन में थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। हम इस रास्ते से निकले हैं और वो सामने ये वाले दो आम लगे हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे साइडों पे कोई चीज़ भी नहीं है तो यहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। इस साइड पे देख रहे हैं ये सारी, और सूरज अभी भी गर्मी महसूस करवा रहा है। तो टाइम तकरीबन 5:30 बजे का होने वाला है। तो माशाल्लाह आमों के दरख्त के पास आए हुए हैं तो आपको दिखाएं आम। ये देखें क्या नज़ारे हैं, ऊपर आम लगे हुए हैं, देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आप। तो अमार भाई ने बताया यार ये वाला जो दरख्त है ना, देखने में इसके आम थोड़े से छोटे नज़र आ रहे हैं, और जो उस साइड वाला दरख्त है उसके बड़े बड़े आम हैं। मैंने पूछा यार आपको कैसे पता है, कहता है यार हर साल लेके तो जाते हैं, आपको नहीं पता। चौधरी साहब जो हैं वो दरख्त पे चढ़ रहे हैं और मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ। जो चौधरी साहब आम नीचे हिलाएंगे, दरख्त को हिलाने के बाद जो नीचे गिरेंगे और जो वो फेंकेंगे वो मैं उठा के गट्टू में डालता जाऊँगा, फिर जाते हुए फिर वो साथ ले जाएंगे। ये हमारा आज का काम है। तो आइए गेम शुरू करते हैं। गेम क्या है यार, काम शुरू करते हैं। तो जिस दरख्त पे बड़े आम थे उस पर कुछ नज़र ही नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि पहले से उतार लिए गए हैं। उस दरख्त पे छोटे छोटे आम हैं, उसकी कोशिश करते हैं उतारने की, तो जितने भी हो जाएंगे वो ले जाएंगे घर आसानी के साथ। कुछ भी नहीं आ रहा, ये चंद आम नीचे गिरे हैं इनको उठा लेंगे अभी। तो यार देख सकते हैं मैं भी दरख्त पे चढ़ गया हूँ। मैंने कहा यार एक बंदा कैसे आम तोड़ेगा सारे, तो मैं साथ चढ़ गया हूँ, ज़रा हेल्प करेंगे भाई की। तो धड़ाधड़ आम तोड़ रहे हैं मेरे भाई, आम किसी ने लेने हैं तो आ जाएँ। चेक करें आप मैं कितनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ यार, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएं। अच्छा ये देख रहे हैं कैसा प्यारा व्यू आ रहा है यार, और ये आम ही आम लगे हुए हैं मेरे आगे पीछे। ये देखें हैं बरल छोटे लेकिन हैं सही, कपड़े भी ख़राब हो गए हैं सारे, और कुछ इस तरह के सीन्स हैं। आम तोड़ते तोड़ते यार मैंने जब सर उठाया ना ऊपर तो मैंने देखा यार क्या व्यू आ रहे हैं। देखें आप ये देखें सामने, मतलब कितना प्यारा मंज़र आ रहा है। इस साइड से भी देखें आप क्या मज़ा आ रहा है यार। आमों के हालात ये हुए पड़े हैं, ये टपक टपक के नीचे गिरे हैं और अभी भी कुछ गिर रहे हैं, कुछ यहाँ पे पानी में गिर गए हैं खाले में ये देखें, और कुछ उस साइड पर पड़े हुए हैं, मतलब कि अच्छा खासे आम हमने तोड़ लिए हैं। तो जनाब अच्छे खासे आम हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब भाई को कॉल की है यार एक गट्टू और ले आओ, तो ये दो गट्टुओं में डाल के हाफ हाफ करके वहाँ से रास्ता आता है सुना है बाइक का, वहाँ पे बाइक ले आएंगे, यहाँ से रख के ले जाएंगे, तो मसला सॉल्व हो गया। पहले हमने इरादा बनाया था यहाँ पे कंधों पे उठा के इन्हें घर ले जाएंगे, जो घर है ना अपना वो इस साइड पर है। वो मीनार थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं मस्जिद का मीनार भी नज़र आ रहा है। बड़ी मुश्किलों से और बड़ी मेहनत करने के बाद हमने आम इकट्ठे किए हैं। तो आपने ये बात कभी नहीं नोट की यार, ये वाला जो मेरा हाथ है ये बहुत ज़्यादा चलता है व्लॉग में, ये सारी कहानी सारी फिल्म सारा मक्खन सारी स्ट्रगल ये हाथ ही करता है मेरा सब कुछ। मैं इतना ज़बान से बोलता नहीं हूँ जितना ये मेरा हाथ काम करता है। स्टोरी ऑफ माई आम ऐसे कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं आप की कह सकते हैं आप, क्योंकि यार अपनी एक स्टोरी है करो चलो। हाँ स्टोरी बनी है, बिल्कुल सही गल है, साड़ी अम्बा की एक स्टोरी बन गई है। तो हमारी आमों की मैंगो स्टोरी मिलेगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना अपना टाइटल स्टोरी ऑफ मैंगो। तो अचार बनाएंगे
जो सीन्स होंगे आपको दिखाते रहेंगे, साथ अपडेट देते रहेंगे। तो अब सूरज का जो व्यू आ रहा है ना माशाल्लाह बड़ा प्यारा आ रहा है, ये देख रहे हैं सूरज, तो सूरज का व्यू देख रहे हैं कितना प्यारा नज़र आ रहा है। अब सूरज ग्रूब हो चुका है बिल्कुल, मतलब कि जो पिक्चर वगैरह खींचने के सिनेमेटिक सीन्स लेने का जो टाइम होता है ना वो हुआ पड़ा है। हमारे आम इस तरफ पड़े हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना पड़े हुए। यार जब हम कल आमों को लेके आए ना, अम्मी ने कल इनको धो के खुश करने के लिए रख दिया था। अम्मों को काटने के बाद इनको अच्छी तरह से नमक लगा के फिर एक बर्तन में रख देना है ढाँप के, फिर ये दो तीन दिन पड़े रहेंगे। वो प्रोसेस मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता था जितना मैंने आपको बता दिया। तरी कितना थक थकता नहीं यहाँ? नहीं नहीं थकना चाहिए, हले तो थोड़े जी अम्ब हो यार, छोटे अम्ब ने तो बड़े बेहतरीन सही कतरे वाले। अच्छा हाँ, वैसे अम्ब छोटे हैं, बड़ा सही दरमाना साइज। अच्छा तो यार आपने हमें ये बताना है आपको हमारा आमों वाला व्लॉग कैसा लगा। अचार के लिए हमने आम लेके आए हैं, फिर अचार बनाया है, तैयार हो गया है, तैयार होने का प्रोसेस चल रहा है। तो ये वाला व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा? अगर आपको ये वाला व्लॉग हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।